नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी और मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। जहां चोर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं पुलिस ने भी अब कमर कस लिए कि ऐसे बदमाशों को छोड़ा नहीं जाएगा। एसपी संजीव कुमार सिन्हा के मार्ग निर्देशन में आरोन पुलिस ने तीन बड़ी घटनाओं के खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिनसे करीब 6 लाख रुपए का माल बरामद कर चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल को जब्त किया है। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं आरोन, जहां हमारे संवाददाता उदय भान सिंह बंटी राजपूत ने इस पूरी घटना को कवरेज किया है और पुलिस से बात करते हुए पूरी जानकारी इकट्ठी की है। नमस्कार लोकेन जी, आज आरोन नगर में बड़ी चोरी का खुलासा सामने आया है। थाना प्रभारी आरोन ने किया चोरों का पर्दाफाश। मामला से चोरों को गिरफ्तार आरोन पुलिस को मिली दूसरी बार सफलता। जिला पुलिस अधीक्षक संजीव सिंह सिन्हा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मान सिंह ठाकुर, बरादपुर एसडीओ मैडम दीपा टुड़वे के निर्देश में चल रहे अभियान के अंतर्गत थाना प्रभारी ब्रजमोहन सिंह भदौरिया ने चोरों का पर्दाफाश किया है। आरोन पुलिस प्रशासन को दूसरी बार चोरी बरामदी में सफलता मिली है। माल से दो युवकों को पुलिस ने चोरी में के मामलों में गिरफ्तार किया है। गौरतलब होगी थाना प्रभारी ब्रजमोहन सिंह भदौरिया ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि दो टीम बनाकर आरोन पुलिस ने चोरों को मामला सहित गिरफ्तार किया, जिसमें धारा 482-24 स्टूडियो कैमरे प्रकरण में, 486/24 डीजे साउंड प्रकरण में, 461/924 ट्यूबवेल मोटर का मामला पंजीकृत आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ने नगर में रात्रि में अतिरिक्त पुलिस गश्त बढ़ाकर नगर की सुरक्षा को के पुख्ता इंतजाम किए हैं। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जगह जगह चौराहे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, जिससे नगरवासियों में हर्ष का व्यक्त है। हमारी पुलिस टीम ने दो टीमें बनाकर अपराध क्रमांक 482/24 नकबजनी के कैमरे संपूर्ण रूप से जब्त किए हैं। 486/24 नकबजनी, जिसमें डीजे की मशीनें चोरी गई थी, जो संपूर्ण रूप से पूरी जब्त की हैं। वह 461/24 में बोरवेल मशीनें गई थी, जो भी संपूर्ण रूप से जब्त की है, जिसमें हमने दो चोरों को गिरफ्तार कर संपूर्ण नकबजनियों में जब्ती की है। ये अपराधियों की उम्र क्या थी? बालिग हैं। बालिग हैं। कितने अपराध किए हैं इन्होंने जो कि माल बरामद हुआ है? अभी तो 3 अपराध होंगे। तो अपराधी क्या अभी जेल भेज दिए गए न्यायालय पेश करने के दौरान? न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।